नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धूरी पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में तथा कबीर परमेश्वर ट्रस्ट की ओर से ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि भंडार गृह के अंदर ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जहां पर आने वाले श्रद्धालु तथा बाहर से आने वाले व्यक्ति ब्लड डोनेशन करते हैं। यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है, जो भी ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे कि सम्मानित किया जाता है मेडल तथा सर्टिफिकेट देकर। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है 31 जनवरी 2023। सामने आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए जो आए हुए हैं वो अपना रक्तदान करते हुए, बहुत संख्या में यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो श्रद्धालु हैं वो ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेते हैं। आप मेरी बाएं तरफ देखेंगे कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो अपना ब्लड डोनेट करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों की प्रेरणा से यहाँ उनके शिष्य जो है ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हुए हैं, और समाज में किसी भी प्रकार का सहयोग देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु बैठे हैं वो ब्लड डोनेशन के बाद रिफ्रेशमेंट लेते हुए हम कुछ भक्तों से जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश दास। कहाँ से आए सर? मैं लुधियाना पंजाब से आया। ये बताइए, जो आपने आज ब्लड डोनेट किया है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और मुझे इसका सत्संग सुन के प्रेरणा मिली है। ये सब की देहदान खूनदान ये सब करने से बहुत लाभ मिलते हैं। समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है उसका, इसमें दहेज प्रथा खत्म किया जा रहा है, तो बहुत बढ़िया समाज सुधार है जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत दास। कहाँ से आए हैं? ये बताइए, आज आपने रक्तदान किया, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा मैं रोज डेली मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनता हूँ। वो हमेशा ही कहते हैं कि हमें लोगों का भला करना चाहिए, हर एक की हमें हेल्प करनी चाहिए, किसी भी तरीके की हो सके वो, समाज में किसी भी काम में हो, रक्तदान में। और आज रक्तदान लगा था यहाँ पर और हमने रक्तदान किया है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो के शिष्य जो है वो समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है, वो खुद परमात्मा हैं और उन्होंने समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो दाज दहेज प्रथा है, नशे के खिलाफ है, जो भी रिश्वत है, जो भी है, और सबके उनकी बहुत ही चल रही है, संघर्ष चल रहा है उनको ख़त्म करने में, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। धन्यवाद। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं कि जो भी जिन्होंने भी रक्तदान किया है उनको मेडल और सर्टिफिकेट दे के सम्मानित किया जा रहा है। आइए अब हम उनके श्रद्धालु से पूछते हैं कि उन्होंने जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है इसकी प्रेरणा उनको कैसे मिली है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? कहाँ से सर आप? लुधियाना पंजाब से। आप मुझे ये बताइए कि जो ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की ओर से जो ये रक्तदान शिविर लगाया है इसकी प्रेरणा कैसे मिली? ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य से कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की ओर से ब्लड कैंप लगाया गया है। ये परमात्मा कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में लगाया है, 505वां उपलक्ष्य है, इसलिए ये ब्लड कैंप लगाया है। इससे पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे? जी, हर 7-8 समागम हमारे एक साल में होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की तरफ से सभी में ब्लड डोनेशन किया जाता है। कितने लगभग यूनिट तक ब्लड डोनेट होता है? 100 से 110 यूनिट तक मैक्सिमम हो जाता है जी ब्लड डोनेशन। संत रामपाल जी महाराज जी का जो हम सुनते हैं कि समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, इस बारे में आपका क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा जो कुछ शादियां होती हैं बिना दहेज रहित शादियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे नशाखोरी और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो समाज सुधार में योगदान देते हैं परमात्मा कबीर साहिब जी। ठीक है सर जी।